तो यार भाइयों, ये है हमारे पास ट्राइपॉड जो हमने ऑनलाइन खरीदा है 800-900 रुपए के अंदर, और ये ट्राइपॉड जो हमने होममेड बनाया है 150 रुपए से 200 रुपए के बीच के अंदर। यार भाइयों, इन दोनों के जो रेट का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसको हमने होममेड मंगवाया है, बनाया है, और ये से ऑनलाइन मंगवाया है, तो इसीलिए इन दोनों का रेट ज़्यादा है। और अगर बात कर ली जाए दोनों मैकेनिज्म की, तो दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि मैंने इसी को देख कर इसको बनाया है। और इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपके जो पैसे हैं वो ऑनलाइन आप वेस्ट मत कीजिए, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसी टाइप का यहाँ पर बनाकर आप घर में अपना यूज कर सकते हो। तो इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो भाई, अब हमारा जो ट्राइपॉड है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कितनी बड़ी साइज है और कैसे ये काम करता है। तो इन तीनों लेग्स को हमें सबसे पहले साइड में खोलना है, उसके बाद ऊपर से इस टाइप से दबाना है। तो ये हमारी लेग्स खुल चुकी है और ये हमारा स्टैंड खुल चुका है इस टाइप से। अब हमें यहाँ पर ये जो पाइप है इसको ऊपर करना है, तो आपको जितना ऊपर करना है उतना कर सकते हो। यहाँ पर इस होल्डर को ढीला करना है, ढीला करने के बाद हमें इसको इस टाइप से ऊपर खोल, तो यहाँ पर ऊपर करने के बाद इसको होल्डर को वापस से टाइट कर देंगे ताकि हमारा नीचे की साइड में ना आए और हमारे एक जगह फिक्स रहे। ये हमारा इस टाइप से खुल चुका है पूरा का पूरा। तो अब हमें क्या करना है, मोबाइल लगाना है। तो मोबाइल लगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्या करना है इस टाइप से यहाँ पर लगाना है और ऊपर से इसको इस टाइप से दबाना है, और फाइनली हमारा मोबाइल यहाँ पर टच हो चुका है। अब हमारा मोबाइल कितना भी हिले निकलने वाला नहीं है यहाँ पर इस टाइप से। तो भाई, फटाफट से देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। तो इसके लिए हमें स्टूडियो में चलना होगा, और स्टूडियो में चलने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले एक पीवीसी पाइप का यूज़ करेंगे, और इसकी जो मोटाई है 1 इंच की, और लंबाई जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही है आप उसे फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, और ये आपको नल फिटिंग की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 1/2 इंच का जो पाइप होता है उसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, और इसकी जो लंबाई है आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लेकिन जो हमारा 1 इंच का जो पाइप है उससे थोड़ा सा लंबी साइज में, ये लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर लंबा है ये। और यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा जो पाइप है इसके अंदर इजीली आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अंदर की साइड में थोड़ा ढीला है। जब भी हम इसमें मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर हिल सकता है, और हमारी जो वीडियो उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है वीडियो शूट में, फोटो शूट के अंदर। तो यहाँ पर एक जुगाड़ लगाने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पर एक पाइप यूज़ करेंगे 1/2 इंच का, और यहाँ पर मार्कर लेंगे, और मार्कर लेने के बाद यहाँ पर लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर मैं इसकी मार्किंग लगा कर कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद इसको हम बीच में से वापस कट कर देंगे और एक पत्ती टाइप का निकाल लेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप की मैंने एक पत्ती निकाल ली है, और हमारा जो 1/2 इंच का पाइप है उसको लेंगे और उसके किसी भी कोने पर आगे या पीछे की साइड पर सुपर ग्लू लगाने के बाद उस पत्ती को चिपका देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से लगा देते हैं हम, और लगाने के बाद ये सूख जाएगी और इस टाइप से यहाँ पर मजबूती से चिपक जाएगी इस टाइप से। अब हमारा जो 1 इंच का जो पाइप है उसको लेंगे और इसके अंदर की साइड में यहाँ पर हमारे एक और पत्ती को लगा देंगे। मैं यहाँ पर 2 पत्ती कट कर रखी थी, तो एक तो हमने ऊपर की साइड में लगा दी 1/2 इंच में, और 1 इंच में अंदर की साइड में लगा दी है। तो अब इन दोनों को हम उल्टा कर लेंगे, क्योंकि एक पत्ती आगे की साइड में होनी चाहिए और दूसरी वाली पीछे की साइड में। तो इस पाइप को और दूसरे पाइप को अंदर की साइड में इस टाइप से डाल देंगे, और ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब ये हिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी, और यहाँ पर हमारा जो वीडियो क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि मोबाइल अगर हिलेगा नहीं तो हमारा वीडियो और फोटो अच्छा आएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं एक टीन कनस्तर का एक पत्ती यूज़ कर रहा हूँ, और आप किसी टीन के अंदर से निकाल सकते हो, टीन का डिब्बा आता है उसके अंदर से। और यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के आसपास एक मार्किंग लगाने के बाद यहाँ से इस टाइप से मोड़ लिया है, और मोड़ने के बाद हमारा जो 1 इंच का जो पाइप है उसके ऊपर यहाँ पर इस टाइप से एक लूप बना देता हूँ मैं। इसका लूप बनाने के बाद यहाँ पर इस टाइप का मैंने एक शेप दे दिया इसको, जैसे देख सकते हो आप। और अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमने यहाँ पर मोड़ दी पत्ती को उसके अंदर की साइड में यहाँ पर दोनों साइड में होल करना है ड्रिल मशीन से। तो यहाँ पर मैंने होल कर लिए दोनों तरफ, देख सकते हो आप। अब यहाँ पर मैं नट और बोल्ट लेने वाला हूँ इस टाइप का, ये आपको हार्डवेयर की शॉप पर इजीली मिल जाएगा, और यहाँ पर इस टाइप से डाल देंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और नट बोल्ट गाइस, अगर आप मेरे जैसे टेक्निकल काम करते हो तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे पड़े होंगे आपके, वो यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा गर्म करके यहाँ पर थोड़ा सोल्डरिंग कर दूंगा, ताकि हमें क्या है कि बार बार नट और कसने के लिए प्लार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर जगह तो प्लार को लेकर नहीं जा सकते। तो आप गैस पे गरम करके या फिर सोल्डरिंग आयरन से इस टाइप से सोल्डरिंग कर दीजिए हमारा जो नट है उसको। अब यहाँ पर मैं एक 5 रुपये वाला जो पेन होता है अंदर रिफिल डलती है वो यहाँ पर यूज़ करूँगा, और 1 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर मैं एक कोको कोला का जो ढक्कन होता है उसका यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, और इसके बीच में यहाँ पर मैंने एक होल कर दिया इस टाइप से। अब जो हमने होल किया था उसके अंदर हमारा जो यहाँ पर बोल्ट है उसको इस टाइप से डाल देंगे और अच्छे से फिक्स कर देंगे यहाँ पर। और एक यहाँ पर नट लेने के बाद हमारे बोल्ट को और हमारे जो कोको कोला का ढक्कन है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि हिले नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से टाइट कर देता हूँ प्लार के द्वारा। अब हमें क्या करना है, जो हमने पेन कट किया था
उसको यहाँ पर हमारे नट बोल्ट के ऊपर लगाना है, और अब हमने जो लूप बनाया था उसके ऊपर यहाँ पर इस टाइप से कस देने हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा एक होल्डर टाइप का बन चुका है, हमें बार बार यहाँ पर प्लायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको खोलने के लिए और कसने के लिए। अब यहाँ पर हमने जो सेट बनाया था पाइप का, और यहाँ पर जो वन इंच का जो पाइप है मोटा वाला, उस पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ कट लगाए हेक्सा ब्लेड के द्वारा। तो इस टाइप से हमें कट लगा लेना दोनों तरफ की साइड में, और जो कट लगाए उसके ऊपर यहाँ पर हमने जो लूप बनाया उसको लगाकर इस टाइप से टाइट कर देंगे हम। जिससे क्या हुआ, अब हमारा जो अंदर जो हाफ इंच वाला जो पाइप है उसको हम अगर ऊपर की साइड में निकालेंगे तो इसको ढीला कर देंगे और ऊपर की साइड में खींच लेंगे, और जितना हमें लंबी साइज लेनी है उसके बाद इसको वापस से टाइट कर देंगे, तो ये हमारा अच्छे से काम करेगा। अब इसकी लेग्स बनाएंगे, और लेग बनाने के लिए यहाँ पर मैं तीन पाइप का यूज़ करूँगा हाफ इंचेस के, और इनकी जो लंबाई आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और अब यहाँ पर मैं एक प्लाईवुड का यूज़ कर रहा हूँ, 12 mm की प्लाईवुड है ये। आपको अगर प्लाईवुड नहीं मिलती तो आप MDF बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्लाईवुड का यूज़ करोगे तो काफ़ी मजबूती रहेगी, MDF बोर्ड में इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं रहती है। सो गाइज फाइनली यहाँ पर मैंने इस टाइप से एक व्हील टाइप का गोल चक्री बना ली है, और इसकी साइज भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब इसके मिडल में हमें यहाँ पर एक इतना बड़ा होल करना होगा ताकि हमारा 1 inch का पाइप इसके अंदर आ जाए। अगर आपके पास होल जान नहीं है तो आप किसी मिस्त्री के पास जा सकते हो और वहाँ पर करवा सकते हो इसके अंदर होल। अब हमें क्या करना होगा, एक कागज़ लेना है और हमारा जो चक्री हमने कट की है हमें प्लाईवुड की, उसको कागज़ के ऊपर रखना है और चाकू के द्वारा इस टाइप से बिल्कुल गोल कागज़ को कट करना है। तो यहाँ पर हमारा कागज़ कट हो चुका है, और इसको यहाँ पर बीच में से हम फोल्ड कर देंगे इस टाइप से, और फोल्ड करने के बाद इस टाइप से एक बिल्कुल सीधी लकीर बना देंगे इसके अंदर। जो हमारी सीधी लकीर बनी हुई है ना, उसके यहाँ पर हम स्केल लेंगे और पेन लेंगे, और पेन के द्वारा बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको वापस से हम फोल्ड करेंगे दूसरी साइड से, और वहाँ पर यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर एक प्लस का हमारा पॉइंट बन चुका है, और इसका मिडल पॉइंट निकल चुका है। तो भाइयों कोई सा भी सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री पर होता है, अगर उसके हम तीन टुकड़े करेंगे तो 120 डिग्री पर यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये। तो यहाँ पर हमने तीन भाग किए 120 डिग्री पर, जो हमारी लेग्स होगी वो 120 डिग्री पर रहेगी एक दूसरे पर। तो यहाँ पर इस टाइप से हमने मार्किंग लगा दी है। अब जो मार्किंग हमने यहाँ पर यूज़ की है उसी को हम यहाँ पर जो हमने व्हील बनाया था उसके ऊपर यहाँ पर डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर व्हील के ऊपर मार्किंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। ये जो कागज़ वाला तरीका है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी जल्दी काम हो जाएगा और आसानी से भी हो जाएगा। तो इस व्हील के ऊपर मैंने यहाँ पर तीन मार्किंग लगा दी है, देख सकते हो लाइनें खींच दी है 120 डिग्री पर। अब इस लाइन को थोड़ा मोटा कर देंगे, यहाँ पर 3 cm मोटा करेंगे, तो दोनों तरफ लाइन के हमें 1.5 cm पर मार्किंग लगाना है, और बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी है इस टाइप से। तो ये जो लाइन है वो 3 cm मोटी हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो मैंने तीनों को इस टाइप से मोटा कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जो हमारा हाफ इंच का पाइप होता है उसको लेंगे, और यहाँ पर इस टाइप से हाफ राउंड यहाँ पर मार्किंग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग लगाई उसको यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं हेक्सा ब्लेड का यूज़ करूँगा इसको कट करने के लिए। सो गाइस हमारे यहाँ पर कट तो हमने लगा लिया, अब इसको हाफ राउंड कट करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर होलसा का यूज़ करूँगा और इस टाइप से यहाँ पर इसको हाफ राउंड में कट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये हमारा कट हो चुका है, देख सकते हो तीनों साइज में। अब हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा मोटी साइज में करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा भाग है उसको निकाल देंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसका जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा अभी हाल। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ यहाँ पर 1 inch की यहाँ पर 1 cm पर मार्किंग लगा दूंगा, और मार्किंग लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा भाग है उसको यहाँ पर कट कर देंगे इस टाइप से। तो इसको हम हेक्सा ब्लेड के द्वारा कट कर देते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर देख सकते हो हमारा माउंट तैयार हो चुका है तीनों लेग्स के लिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रहा है ये, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से हम खरीद के लाए हैं। और इसी टाइप से मैंने एक और व्हील कट किया है यहाँ पर उसी साइज का, और अब हमने जो माउंट बनाया है यहाँ पर इसको इस टाइप से ऊपर की साइड में रखेंगे, और रखने के बाद हमें क्या करना हो, इसके अंदर से अंदर मार्किंग लेनी है, बाहर से बाहर नहीं लेनी है, बाहर से हमें मतलब नहीं, अंदर से अंदर हमें मार्किंग लेनी है इस टाइप से। और एक माउंट ऊपर की साइड में रहेगा, एक नीचे की साइड में रहेगा। तो अब यहाँ पर इस टाइप से बनाने के बाद इसको मैंने कट कर लिया है, तो देख सकते हो इसकी जो डिज़ाइन है थोड़ी अलग टाइप की है, अंदर से अंदर हमें लेना है बस, ठीक है। अभी हमारा जो ऊपर वाला जो माउंट है इसको हम यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर लगभग 0.5 cm पर इसके ऊपर की साइड मार्किंग लगा देंगे, और मार्किंग लगाने के बाद इसके मिडल में यहाँ पर होल करना हमें।
तो यहाँ पर होल कर देता हूँ मैं इसके अंदर, ताकि हमारी लेग्स जो है उनको हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकें। सो गाइस फाइनली यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर लेग्स के लिए यहाँ पर होल कर दिए हैं, तीनों तरफ से हमने यहाँ पर कर दिए हैं होल। और अब हमें यहाँ करना है लेग को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमारा जो पाइप है जो हमने लेग के लिए यूज़ किया है उसके अंदर भी यहाँ पर होल कर दिया ड्रिल मशीन से मैंने इस टाइप से। और होल करने के बाद यहाँ पर जो हमारा माउंट है इसको इस टाइप से लगा देंगे हम यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक पिन ज़रूरत होगी ताकि इसको हम इस टाइप से टिका सके। तो इसके लिए यहाँ पर मैं साइकिल स्पोक का यूज़ करूँगा, और आपको 2 रुपये में इजीली साइकिल स्पोक मिल जाएगी किसी भी साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पर। तो यहाँ पर आपको अगर साइकिल स्पोक नहीं मिलती तो आप जेब वायर जो होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर लंबी वाली कील जो होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसकी आकार में यहाँ पर इसको मार्किंग लगाने के बाद कट कर लेता हूँ, और कट करने के बाद यहाँ पर एक पिन टाइप का बना लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर हमारी लेग इस टाइप से लग जाएगी और इसको हम दबा देंगे यहाँ पर, तो हमारी यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पूरा ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हो आप। तो हमें यहाँ पर इसको क्या करना होगा, वापस से बाहर निकालना होगा, और बाहर निकालने के बाद इसकी ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए फाइल से इसको थोड़ा राउंड शेप में दे देना होगा एक तरफ से। अगर फाइल नहीं है तो आप इसको हेक्सा ब्लेड से भी कट करके इस टाइप से राउंड शेप दे सकते हो, एक तरफ से आपको देना है, दोनों तरफ से नहीं देना है। और वापस से इसके अंदर हम लगा देंगे तो देख सकते हो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो चुकी है, ये हमारा पूरा का पूरा ओपन हो रहा है बाहर की ओर। अब हमें क्या करना हो, जो पिन है इसको यहाँ पर सुपर ग्लू से चिपका देंगे ताकि बाहर ना निकले और हमारे लेग्स बाहर ना निकल पाए। अगर ये ऐसा निकल जाते हैं तो आपका मोबाइल गिर सकता है, आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। अब मैंने तीनों लेग्स को यहाँ पर इस टाइप से लगा दिया है। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा पाइप है जो हमने सेट बनाया था पाइप सेट, उसको इस टाइप से डालना है। और एक और जो माउंट हमने कट किया था आपको पता हो तो, इस माउंट को नीचे की साइड में लगाना है हमें इस टाइप से। तो इसको इस टाइप से लगाने के बाद सुपर ग्लू से चिपका देंगे हम, और अच्छे से आपको टाइट लगाना है नीचे वाला, ऊपर वाले को नहीं चिपकाना है सुपर ग्लू से, बस नीचे वाले को ही चिपकाना है यहाँ पर। अब हमें क्या करना होगा, इन लेग को नीचे से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं हमारा जो प्लास्टिक की शीट जो होती है उसका यूज़ करूँगा, और ये मैंने शीट बनाई है खुद ने प्लास्टिक पाइप जो होता है उसको गर्म करने के बाद। तो इसको यहाँ पर मैं कट करने के बाद एक पट्टी कट करूँगा इसके अंदर से, लगभग 1.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर पट्टी कट कर रहा हूँ मैं, 2 सेंटीमीटर के भी आप कट कर सकते हो। और इसको कट करने के लिए यहाँ पर मैं जो माइका कटर होता है उसका यूज़ करूँगा, उससे स्क्रैच करेंगे और कट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 2 पत्ती मैंने कट की है, और एक ऊपर की साइड में होल किया है, और एक हम यहाँ पर बीच में होल करेंगे। और इनकी जो गेप है दोनों की होल की वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो आपका ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर दोनों पत्ती को मैंने एक्स्ट्रा जो भाग थे उनको कट कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे के माउंट से इसको कनेक्ट करना होगा ताकि ऊपर की साइड में मूव कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर ब्लैक स्क्रू जो होते हैं लकड़ी के अंदर यूज़ होते हैं, इसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो इनको यहाँ पर इस टाइप से लगा देंगे हम, और आपको याद रखना है इसको टाइट नहीं रखना है, थोड़ा ढीला रखना है आपको। सो गाइस फाइनली यहाँ पर हमने लगा दिया इसको, और यहाँ पर हमें पाइप के ऊपर यहाँ पर मार्किंग लगानी है। तो यहाँ पर मैं 13.5 सेंटीमीटर पे मार्किंग लगाता हूँ, और यहाँ पर ड्रिल मशीन से होल कर देता हूँ इसके अंदर। और होल करने के बाद ब्लैक स्क्रू जो होते हैं वहाँ से इन पत्तियों को इस टाइप से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये फाइनली यहाँ पर इस टाइप से लग चुकी है, और लगाने के बाद हमें क्या करना हो, सारों के सारे मैंने कनेक्ट कर दिए, तीनों लेग्स को इस टाइप से कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर इस टाइप से लेग हमारे काम करने लग जाएंगे, देख सकते हो आप। और ये हमारी जो नीचे की स्टैंड है वो हो चुकी है। अब इसको इस टाइप से ओपन कर दोगे आप तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, और हम इसे बैग के अंदर डाल सकते हैं। तो इसका माउंट बनाते हैं भाई। अब यहाँ पर हमें एक प्लास्टिक सीट का यूज़ करना होगा, और इसको भी मैंने प्लास्टिक पाइप जो होता है उसको गर्म करने के बाद ठंडा कर दिया है। तो इस टाइप से सीट बन चुकी है। अब यहाँ पर आपका जो मोबाइल है वो आपको यूज़ करना है, आप जो डेली रूटीन में यूज़ करोगे उस मोबाइल को आपको लेना है। और उसके बाद हमारी जो सीट है उसके ऊपर इस टाइप से रख देंगे हम, और इस टाइप से रखने के बाद मार्कर लेने, और मार्कर के द्वारा इसकी चारों ओर से मार्किंग कर देंगे हम। इस टाइप से हमारा जो मोबाइल है उसकी साइज़ ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो मोबाइल है उसकी हम यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे कि कितना बड़ा है। तो इस बॉक्स के हमें मिडल पॉइंट निकालूंगा दोनों तरफ से, इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है उसका मिडल पॉइंट निकाल लेंगे हम यहाँ पर स्केल के द्वारा। तो आपका जो भी मोबाइल है उस हिसाब से आप निकाल सकते हो, क्योंकि सबकी मोबाइल की जो साइज़ है वो अलग अलग होती है। तो इस टाइप से मैंने प्लस बना लिया है। अब हमारे जो प्लस में हमने लाइनें खींची है उसको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मोटा कर देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से प्लस बना दिया है। अब यहाँ पर माइका कटर जो होता है उसका यहाँ पर यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगा। तो कैसे कट कर रहा हूँ आप देखिए, और इसके बाद मैं इसका शेप पूरा आपको बताऊँगा कट करने के बाद। We'll be right back.
तो भाई यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा प्लस का एक चिन्ह बन चुका है। और अब हमें क्या करना होगा, हीट गन लेना है या फिर आप गैस का यूज़ कर सकते हो, इसको थोड़ा शेप देंगे। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो चील होती है या फिर कोई पक्षी होता है उसके जो पंजा होता है उसी टाइप का यहाँ पर थोड़ा शेप देंगे इसको, ताकि हमारे मोबाइल को ये पकड़ सके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा हीट करने के बाद इसको चारों जो हमारे पंखुड़े हैं उसको अंदर की साइड में ऊपर की साइड में मोड़ देता हूँ यहाँ पर। और मोड़ने के बाद हमें क्या करना है, जो इसके किनारे वहाँ पर हमारी जो मार्किंग ली थी हमने मोबाइल की साइज की, उसके हिसाब से यहाँ पर इसको मोड़ देंगे इस टाइप से। अब क्या है कि ये हमारा एक स्प्रिंग टाइप का बन चुका है, ताकि इसको ऊपर की साइड में हमने जो मोड़ा है स्प्रिंग बन चुका है ये। और हमारी जो चील होती है या फिर कोई भी पक्षी होता है उसके जो पंजा होता है उस टाइप से बन चुका है। तो अब यहाँ पर इसको बनाने के बाद मैं थोड़ा इसका जो एक्स्ट्रा भाग है उसको कट कर दूंगा, और कट करने के बाद थोड़ा इसको फिनिशिंग दे देंगे। आप रेगमाल का यूज़ कर सकते हो, फाइल का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद इसके ऊपर कलर कर सकते हो अपने हिसाब से। और हमारा जो मोबाइल है यहाँ पर इस टाइप से लग जाएगा इसके अंदर। तो आप डरना मत बिल्कुल भी कि गिर जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये स्प्रिंग टाइप का बन चुका है और मोबाइल को अच्छे से पकड़ लेगा और बिल्कुल भी हिलने नहीं देगा। आप अगर इसको उल्टा करोगे, बिल्कुल गोल गोल घुमाओगे तो भी नहीं निकलेगा ये। अगर आपको निकालना है तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, इसको थोड़ा पकड़ के खींचना होगा। जैसे हमारा मोबाइल कवर होता है ना, उसी टाइप से ये इसको पकड़ लेगा ये। अब इसको हमें ट्राइपॉड पर लगाने के लिए यहाँ पर एंड कैप यूज़ करूँगा मैं 1/2 इंच का। तो भाई अब हमारा जो एंड कैप है उसके ऊपर की साइड में यहाँ पर एक होल करना होगा हमें। और होल करने के बाद जो हम इस टाइप के नट बोल्ट हम यूज़ करेंगे छोटी साइज के, और इसके अंदर साइड में डालने के बाद इसको अंदर से कस देंगे हमारा जो बोल्ट है उसको। और यहाँ पर हम एक प्लास्टिक की एल टाइप की पत्ती बनाई है, यहाँ पर देख सकते हो आप इस टाइप से, और नीचे की साइड में एक होल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने अभी सिकंजा बनाया था जो हमारे पक्षी के जो पंजा होता है उस टाइप का मोबाइल पकड़ने के लिए, इसको माउंट बोल सकते हो आप, और इसके नीचे की साइड में पीछे की साइड में यहाँ पर चिपका देंगे इस टाइप से। और अब यहाँ पर हमें जो एंड कैप लिया था उसको यहाँ पर टाइट कस देंगे। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से लगाने के बाद एक वाइसर डाल दूंगा मैं। वाइसर डालने के बाद यहाँ पर हमारा जो नट होता है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी नहीं हिले यहाँ पर। और यहाँ पर फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, ट्राइपॉड के ऊपर की साइड में यहाँ पर इस टाइप से लगाना है, और लगाने के बाद इसको अच्छे से सुपर ग्लू से चिपका देना है, ताकि ये बार बार निकले नहीं यहाँ से। तो भाई अब हमारा जो ट्राइपॉड है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कितनी बड़ी साइज है और कैसे ये काम करता है। तो इन तीनों लेग्स को हमें सबसे पहले साइड में खोलना है, उसके बाद ऊपर से इस टाइप से दबाना है। तो ये हमारी लेग्स खुल चुकी है और ये हमारा स्टैंड खुल चुका है इस टाइप से। अब हमें यहाँ पर जो पाइप है इसको ऊपर करना है, तो आपको जितना ऊपर करना है उतना कर सकते हो। यहाँ पर इस होल्डर को ढीला करना है, ढीला करने के बाद हमें इसको इस टाइप से ऊपर खोल, तो यहाँ पर ऊपर करने के बाद इसको होल्डर को वापस से टाइट कर देंगे, ताकि हमारा नीचे की साइड में ना आए और हमारे एक जगह फिक्स रहे। तो ये हमारा इस टाइप से खुल चुका है पूरा का पूरा। तो अब हमें क्या करना है, मोबाइल लगाना है। तो मोबाइल लगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्या करना है, इस टाइप से यहाँ पर लगाना है और ऊपर से इसको इस टाइप से दबाना है, और फाइनली हमारा मोबाइल यहाँ पर टच हो चुका है। अब हमारा मोबाइल कितना भी हिले निकलने वाला नहीं है यहाँ पर इस टाइप से। तो यार भाई वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इसी टाइप की नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।